लोकसभा चुनाव के दो चरणों के मतदान हो चुके हैं, तो अब बारी है तीसरे चरण की। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होने हैं। उन 9 सीटों में से 2 हॉट सीट्स हैं, जो कि विदिशा और राजगढ़। पर इन 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को इस बार मौका दिया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, वहीं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इन दोनों दिग्गज नेताओं की भी कुछ समस्याएं हैं जो इन 2 सीटों पर वो फेस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में उस समस्या के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन 2 दिग्गज नेताओं के मन में भी क्या ऐसा सवाल है कि जिसके कारण उनका ये चुनाव बिगड़ सकता है। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक और दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। दोनों दिग्गजों के लिए ये चुनाव भी करो या मरो बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही दोनों को एक डर समान रूप से सता रहा है। वह डर है वोटिंग प्रतिशत कम होने का, क्योंकि यदि वोटिंग प्रतिशत कम रही तो इसका नुकसान दोनों ही नेताओं को अपनी अपनी सीट पर होगा। अब तक पहले 2 चरण में जितनी भी सीटों पर मतदान हुआ है उनमें 8-10% तक कम वोटिंग होने की खबरें सामने आई हैं। इसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। कम वोटिंग साफ इशारा कर रही है कि मतदाताओं को न ही बीजेपी न ही कांग्रेस से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीदें हैं। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई थी और वो वोटिंग पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हुई थी। पुलवामा और बालाकोट के बाद लोगों ने बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया था और मत प्रतिशत भी काफ़ी ऊंचा था, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला था। अब 7 मई को तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। वर्ष 2019 में विदिशा सीट पर करीब 71.29% मतदान हुआ था। वहीं राजगढ़ सीट पर वर्ष 2019 में 73.77% मतदान हुआ था। लेकिन पिछली बार विदिशा और राजगढ़ सीट से शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसलिए दोनों ही दिग्गज नेताओं को डर है कि यदि उनकी सीट पर भी कम मतदान हुआ तो न सिर्फ उनकी जीत हार के परिणाम में फ़र्क आएगा, बल्कि दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी पार्टी में पोजीशन कमज़ोर होगी। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कर सेंट्रल में ले जाने का मन बनाया है। उम्मीद की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को न ही सिर्फ अपनी विदिशा सीट बंपर वोटों से जीतनी है, बल्कि बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खुद को केंद्र की राजनीति में किसी बड़े पद को डिजर्व करने वाली पोजीशन में भी दिखाना है। यह तभी संभव है जब विदिशा सीट पर बंपर वोटिंग होगी। लेकिन कम मतदान यहाँ भी हो गया तो फिर शिवराज सिंह चौहान भले ही चुनाव भी जीत लें, लेकिन बीजेपी आलाकमान के सामने उनकी पोजीशन अपर हैंड वाली नहीं रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का भी है। उनको भी राजगढ़ लोकसभा सीट अच्छे मतों से जीत कर देना होगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने माहौल तो अच्छा बनाया है और कांग्रेस फाइट में भी नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ नज़र आने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अमित शाह की जनसभा के बाद से बीजेपी भी यहां दिग्विजय सिंह को बराबर की फाइट देती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह जिस तरह से लोगों को उनका आखिरी चुनाव की भावुक अपील करते दिख रहे हैं, यदि राजगढ़ सीट पर उसका असर नहीं हुआ और लोगों ने बंपर वोटिंग नहीं की तो फिर कांग्रेस व दिग्विजय सिंह के हाथ से राजगढ़ सीट जीतने का गोल्डन चांस फिसल सकता है। पहले 2 चरणों में काफी कम वोटिंग हुई, ये हम सब ने देखा, लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है और इस कम वोटिंग का तीसरे चरण में कितना फर्क पड़ेगा, राजगढ़ में भी और विदिशा में भी, ये तो हमें अब वोटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 10 लाख पार कर पाएंगे या फिर दिग्विजय सिंह राजगढ़ में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आपकी राय हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को लोकसभा की हर छोटी से बड़ी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।